दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो दुश्मन है और दोनों के दोनों दुश्मन हमारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन एक दुश्मन बहुत पुराना हो और एक दुश्मन बहुत नया हो, तो हम क्या करेंगे? हम नए दुश्मन से निपटेंगे नया है करके, या पुराने दुश्मन को ऐसे ही छोड़ देंगे? पुराने दुश्मन को हम अपना नुकसान पहुंचाने देंगे? कोई भी समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि दुश्मन तो दुश्मन होता है, और अगर उससे हमको खतरा है तो हम एक रहे, दो रहे, या तीन रहे, या चार रहे, जितने भी दुश्मन रहे, सबसे बराबर निपटते रहेंगे। किसी को भी हम अपने आप को नुकसान होने के लिए नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, आज हमारे सामने दो हमारे बहुत कट्टर दुश्मन हैं, एक तो कोरोना महामारी और दूसरी बेरोजगारी, और हम किसी एक को भी छोड़ने की गलती नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, ये देखा गया है कि जब से कोरोना महामारी का संकट हमारे ऊपर छाया है, तो हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि हमारा बस सिर्फ एक ही दुश्मन है, एक ही बस समस्या है, वो है कोरोना महामारी। बेरोजगारी को हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही था कि एक महीने, दो महीने तक के लिए होता तो आदमी थोड़ा सा बेरोजगारी के मुद्दे को किनारे कर लेता और कोरोना महामारी पर ध्यान देता, लेकिन पिछले साल 25 मार्च 2020 से लेकर आज तक हम इस दुश्मन से लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस दुश्मन से लड़ाई के चक्कर में हमारा जो बहुत बड़ा दुश्मन है बेरोजगारी, उसको हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। और देखने की बात यह है कि ना हम महामारी को संभाल पा रहे हैं और ना ही हम बेरोजगारी को संभाल पा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, कोरोना महामारी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी समस्या है, और इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता कि कोरोना महामारी को हम नज़रअंदाज कर दें। लेकिन दोस्तों, दूसरा पक्ष यह है कि बेरोजगारी को भी हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? कोरोना महामारी से लड़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन इस बात को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि लड़ाई कहीं एक तरफा ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कोरोना महामारी का लड़ाई में हम लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं, और लॉकडाउन का मतलब काम की बंदी। शुरू में समझ में आता है एक महीने, दो महीने के लिए होता तो फिर चल जाता, लेकिन ये साल बीत गए, उसके बावजूद भी जब कोरोना महामारी पर नियंत्रण नहीं किया जा सका, तब फिर रोजगार के धंधे को बंद करके केवल कोरोना महामारी से लड़ना कहीं से समझदारी का परिचय नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इसमें से एक भी अगर छूट गया या एक भी बच गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या पैदा कर देगा। अगर हम अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो बस एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे दिख जाएगा। जैसे सिनेमा हॉल को ले लीजिए, सिनेमा हॉल पहले पूरा कचाकच दर्शकों से भरा रहता था, हमेशा गुलजार रहता था, लेकिन जब से कोरोना महामारी शुरू हुआ है, सिनेमा हॉल के पास कोई जा नहीं रहा है। कई कई सिनेमा हॉल बंद हो गए और कई कई सिनेमा हॉल बंद होने के कगार पर खड़े हैं। और ये तो बस मैं एक सैंपल बताया हूँ, ऐसे बहुत सारे रोजगार धंधे भरे पड़े हैं जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलता था, और वो सब के सब बंद होने कगार पर आ गए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से लॉकडाउन लगाने की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हल्का सा संकेत मात्र के कारण लोकमान्य तिलक स्टेशन यात्रियों से भर गया, और ये सब वो यात्री हैं जो काम करने बम्बई गए थे, महाराष्ट्र काम करने गए थे। महाराष्ट्र का इस टाइप का लगभग सभी स्टेशनों का ही वैसा ही हाल होगा, और वो लोग काम करने गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन इतने खतरनाक तरीके से लगा था, इतनी बुरी तरह से लगा था कि 1-2 से 3 महीने लोग बुरी तरह से फंस गए थे। तो उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं फिर से न फंस जाए, तो लेने के देने न पड़ जाए, इसलिए सब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। और इस तरह से काम को छोड़कर घरों पर लौटना कोई भी उद्योग धंधे के लिए सही चीज नहीं है। दोस्तों, कोरोना महामारी के लिए जब लॉकडाउन लगा था, तो बहुत सारे लोगों द्वारा अक्सर कहा जाता था, जान है तो जहान है, जान अगर बच जाएगी ना, तो दोबारा फिर से उद्योग धंधे खड़ी कर लेंगे, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था भी आज हमारे जीने का आधार बना हुआ है। अगर अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी कई कई राज्यों के अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और अभी दोबारा जब लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो उसमें इतनी कड़ाई बरती जा रही है कि सब्जी वगैरह का धंधा भी नहीं किया जाना है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला को अगर आप देखिएगा, तो उसमें 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, और इस लॉकडाउन में कड़ाई बहुत ज़्यादा बरतने के लिए कहा गया है, और इसमें सब्जी तक बेचने के लिए मनाही है। अब जरा सोचिए, सब्जी व्यवसायियों, जो सब्जी का जो व्यवसाय होता है, वो एक कच्चा व्यवसाय होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ककड़ी जैसे उपजाता है, तो ककड़ी क्या है कि हर रोज़ तोड़ना पड़ता है। अगर एक से दो रोज जब
नहीं तोड़ेंगे तो ककड़ी पीला पड़ जाएगा और खराब हो जाएगा। अब सोचिए कोई व्यक्ति अभी 6 अप्रैल से अगर 14 अप्रैल तक बात करें तो 9 दिन तक का लॉकडाउन होता है। अब सोचिए अप्रैल महीना 30 दिन का होता है और 30 दिन के हिसाब से 9 दिन 30% होता है, मतलब 30% उनका काम पूरी तरह से प्रभावित है। मतलब 30% हर रोज सब्जी आएगी वो टूटेगी फेंकाएगी, मतलब 30% उन व्यापारियों का शुद्ध लॉस है। और इस बीच में ऐसा तो नहीं है कि उनकी जरूरतें खत्म हो गई, खाना खाएंगे ही, पानी पिएंगे ही, कपड़े पहनेंगे ही, सारी चीज़ तो करेंगे ही लेकिन आय बंद हो जाएगा। तो इससे कितना ज़्यादा हतोत्साहित उद्योग होता है। और बाकी जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन उद्योगों से प्रभावित होते ही होते हैं, और वो उद्योगों से पूरा देश प्रभावित होता है, और जब देश प्रभावित होगा तो हम प्रभावित होंगे, हमारा रोजगार प्रभावित होगा। तो दोस्तों फाइनली मेरे वीडियो का सार ये है कि केवल कोरोना ही हमारा समस्या नहीं है, कोरोना और बेरोजगारी दोनों समस्या है। और कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कोरोना से लड़ाई भी चलती रहे और रोजगार के ऊपर भी प्रतिकूल असर न पड़े, तभी हमारा भविष्य सुंदर होगा और हमारा राष्ट्र का निर्माण सही तरीके से होगा। नहीं तो पता चला कि कोरोना का जंग लड़ते लड़ते बेरोजगारी में पूरी तरह से फिसल गए, कहीं भयंकर बेरोजगारी के दलदल में हम ना फंस जाए। दोस्तों अगर इन दोनों दुश्मनों पर अगर ध्यान देंगे तो इन दुश्मनों से लड़ने का केवल एक ही तरीका हो सकता है, वो ये तरीका है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाए, कड़ाई से लड़ाई जारी रखी जाए लेकिन लॉकडाउन ना लगाया जाए, कोरोना नियम का पालन करते हुए सारे काम धंधे बहाल किया जाए, टोटल काम धंधे। और हम लोग को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हमारी भीड़ है, ये जो भीड़ होती है ट्रेनों में, जगह में, बाजारों में, ये सारी की सारी भीड़ कोई शौकिया भीड़ नहीं होती है, वो लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अब कोई ना कोई तरीका निकाल कर आगे बढ़ना ही होगा, लेकिन कोरोना से लड़ाई का ये तरीका सही नहीं हो सकता है कि हम लॉकडाउन लगा दें, पूरे काम धंधा को बंद कर दें। साल भर तो लॉकडाउन लग ही रहा है, अब और कब तक लगाएंगे? तो दोस्तों आपको मेरा कोरोना का खिलाफ लड़ाई रोजगार को बैलेंस करके लड़ने का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आपसे एक शिकायत है, मेरे वीडियो में व्यू तो आते ही हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं आते, मतलब आप लोग वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन उसमें अपनी कुछ प्रतिक्रिया नहीं छोड़ते। प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ दीजिए, आप निश्चिंत होकर दीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो उसमें भी लिखिए, निश्चिंत होकर लिखिए, और लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कुछ ना कुछ करके जाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।